बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल। वेक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं जी, और हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए एक मैग्नीट्यूड होता है, एक उसकी डायरेक्शन होती है। तो अगर हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं ऑन द रिजल्टेंट वेक्टर कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम उसकी एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है जी, तो लेट से मैं हेडिंग देता हूं जी, आपकी बुक ने जो दी है डिटरमिनेशन ऑफ एंगल, डिटरमिनिंग द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये स्पेसिफिकली रिजल्टेंट वेक्टर के लिए नहीं है, आप देखेंगे कि ये एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो ये किसी भी वेक्टर को जनरली आपसे उसकी एंगल, वेक्टर आपको गिवन होगा, पॉसिबल एंगल आपसे पूछ सकता है। एंगल किसी भी चीज का एंगल हो, वेक्टर हो, रिजल्टेंट हो, सिंपल वेक्टर हो, द एंगल इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू, एंगल इज विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसी भी चीज का एंगल हो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। ठीक है जी, दूसरी बात, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यही हमारी काम की बात है। ये दोनों हमारी काम की बातें हैं कि जो एंगल होगा हमारा वो पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, और हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक और बात मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, हम सीख चुके हैं, विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट्स, गिवन द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, यू कैन फाइंड द एंगल थीटा दैट इट इज मेकिंग बाय द फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स अपॉन ऑफ वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द एक्स कंपोनेंट। क्या ये हम सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके? बिल्कुल सीख चुके हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर कोई वेक्टर है, लेट से रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि है आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब ये जो एंगल बनाएगा थीटा, ये होगा जी टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये किधर से आता है जी? ये ट्राइगनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि होती है बेस्ड इनसाइड अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये बेस्ड होती है इनसाइड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब एंगल हम किधर मालूम करेंगे? कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं जी? फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं कि नहीं होते? देखे जरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस ओरिजिन के इस साइड। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। कोई भी एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस होगा, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। फोर केसेस है, ईच वन को हम इंडिविजुअली डील करते हैं। नंबर वन, फॉर द फर्स्ट क्वाड्रंट, ये क्वाड्रंट जो है क्वाड से निकला है, क्वाड फॉर फोर। फर्स्ट क्वाड्रंट में क्या होगा? एक्स कंपोनेंट इज पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट इज पॉजिटिव। तो मैं चले इस तरह भी लिख सकता हूं, आर एक्स इज पॉजिटिव, आर वाई इज पॉजिटिव, या फिर आप लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट इज पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट इज पॉजिटिव। अगर फॉर इंस्टेंस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने बनाया, ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, इसमें ये जो है आर एक्स कंपोनेंट है, ये आर वाई कंपोनेंट है, ये वेक्टर यहां पे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या ये एंगल थीटा है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये जो थीटा इधर मैंने लिखा है, ये आपको देगा द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द नियरेस्ट एक्स एक्सिस। ये आपको समझ आ जाएगी, ये जो फॉर्मूला से आपको एंगल मिलेगा, ये होगा द एंगल विद रिस्पेक्ट टू
नियरेस्ट एक्स एक्सिस। जो रिजल्टेंट का एंगल होगा उसकी बुक को आपने आपकी बुक ने उसको थीटा आर कहा हुआ है। तो आप देखिए विद रिस्पेक्ट टू द नियरेस्ट एक्स एक्सिस क्या ये थीटा है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करता हूं तो क्या मेरा थीटा टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है, बिल्कुल है। और लेट्स से फॉर एग्जांपल से इसको मैं वैल्यूज देता हूं पॉजिटिव प्लस आई यूनिट वेक्टर फिर प्लस जे यूनिट वेक्टर है तो क्या इसका थीटा टेंजेंट इनवर्स 1/1 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 145 डिग्रीज होता है, ये एंगल 45 डिग्रीज है, ये विद रिस्पेक्ट टू द नियरेस्ट एक्स एक्सिस है। लेकिन क्या ये मेरे रिजल्टेंट का एक्चुअल एंगल भी है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट थीटा आर, थीटा इज इक्वल टू थीटा आर। इधर भी मैं साथ साथ लिख जाता था, इधर भी मैं साथ साथ में लिखता जाता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ये जो है आपका थीटा भी है और ये थीटा आर भी है। सेकंड क्वाड्रेंट पे मैं आता हूं जी, सेकंड क्वाड्रेंट इसमें क्या होगा तो देखे जी, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। देखे जरा ये सेकंड क्वाड्रेंट है कि नहीं है, प्लस वाई माइनस एक्स, तो इसमें क्या होगा जी, आर एक्स इज नेगेटिव आर वाई इज पॉजिटिव। तो अगर मैं देखता हूं कि ये मेरा आर एक्स है जी, ये मेरा आर वाई है जी, तो मेरा वेक्टर ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये मेरा वेक्टर है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब मैं जो एंगल फाइंड करूंगा फॉर्मूले से जो कि होगा थीटा, दिस वुड बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन माइनस आर एक्स होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आर एक्स नेगेटिव है। समझ आई, बिल्कुल आई। तो अब देखिए, अब ये मुझे एंगल देगा और अब ये एंगल नेगेटिव आएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर वुड बी नेगेटिव। अब जरा करें, चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं से वेक्टर है नेगेटिव आई प्लस जे है, तो इसका जो थीटा होगा वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/-1 होगा कि नहीं, तो चले आप टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस वन करें, क्या आता है माइनस 45 डिग्री आता है कि नहीं आता, माइनस 45 डिग्रीज, बिल्कुल आता है। तो इस माइनस 45 डिग्रीज का मतलब है कि ये एंगल है विद रिस्पेक्ट टू द नियरेस्ट एक्स एक्सिस। अब इसका नियरेस्ट एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस है क्योंकि ये तो इससे दूर है, तो इसका मतलब ये माइनस 45 जो मुझे शो हो रहा है ये वाला एंगल है, और माइनस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं माइनस वुड बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस वुड बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन ये तो थीटा आ गया, ये तो वो एंगल है जो कि विद रिस्पेक्ट टू नियरेस्ट एक्स एक्सिस है। मुझे तो चाहिए है मेरा जो एंगल है वो तो हमेशा प्लस एक्स एक्सिस के साथ होगा, इसका मतलब मेरे रिजल्टेंट का वेक्टर तो ये है जी थीटा आर। अब मैं ये डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैं इसके लिए टेंजेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं और टेंजेंट के फॉर्मूले के लिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का होना जरूरी है, इसलिए इस तरह की सिचुएशन होती है जी। समझ आई, तो अब देखे मैं इससे अपना ओरिजिनल एंगल किस तरह फाइंड करूंगा, मैं अपना ओरिजिनल एंगल क्या आप देख नहीं रहे कि थीटा आर प्लस थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो क्या 180 डिग्रीज नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो क्या मेरा थीटा आर क्या 180 डिग्रीज माइनस दिस एंगल थीटा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, समझ आई, बिल्कुल आनी चाहिए जी। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें जी, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है देखे, आर एक्स भी नेगेटिव और आर वाई बी नेगेटिव, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। तो अब अगर आप थीटा फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स
ऑफ माइनस आर वाई अपॉन माइनस आर एक्स से, तो ये आपको अगेन एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, माइनस अपॉन माइनस पॉजिटिव वैल्यू, और अगेन ये पॉजिटिव वैल्यू आपको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगा. फॉर इंस्टेंस अगेन से जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो माइनस आई है और वाई कंपोनेंट माइनस जे है, तो थीटा वुड बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस वन अपॉन माइनस वन, सो विच वुड बी इक्वल टू 45 डिग्रीज. अगेन फिगर मैंने ड्रॉ नहीं की थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फिगर चलिए यहां पर मैं बनाता हूं जी. ये आपका हो गया जी माइनस एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया जी माइनस वाई एक्सिस, ये आर एक्स हो गया, ये आर वाई हो गया, ये आपका वेक्टर हो गया. अब ये जो एंगल आपने फाइंड किया, ये आपने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ दीज कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, तो ये एंगल आपने फाइंड किया और ये आपको पॉजिटिव मिला. क्यों? क्योंकि आप इन द सेम डायरेक्शन आए, काउंटर क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू द नियरेस्ट एक्सिस आप आए कि नहीं आए? बिल्कुल आए, थीटा. समझ आई नहीं आई? क्यों नहीं है? इसमें समझने का क्या है जी? मैंने आपको कहा ये आपको एंगल देगा विद रिस्पेक्ट टू नियरेस्ट एक्स एक्सिस. अब इसका नियरेस्ट एक्स एक्सिस नेगेटिव है कि पॉजिटिव एक्स है? तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का नियरेस्ट है ना? बिल्कुल है. वाई कंपोनेंट को डिवाइड करें एक्स कंपोनेंट के पे, पॉजिटिव आया तो काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये है कि नहीं है? बिल्कुल है. लेकिन मेरा जो ओरिजिनल एंगल है, जो रिजल्टेंट का एक्टर है, एंगल है, वो होता है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इसका मतलब मेरा जो ये कंप्लीट एंगल है, तो ये मेरा एंगल है ओरिजिनल थीटा आर. तो इधर से क्या आप देख नहीं सकते कि अगर मैं 180 डिग्रीज को ऐड करता हूं इस एंगल के साथ, आप देख रहे हैं कि 180 डिग्रीज ये पूरा लाइन और प्लस जो थीटा है ये मुझे दे रहा है मेरे रिजल्टेंट का एंगल थीटा आर. इस तरह है कि नहीं है? बिल्कुल है जी. तो ये मुझे रेड पेन से लिखना चाहिए था, लेकिन चले बस गलती हो गई, कोई बात नहीं. चले आप इसको इनसर्कल कर दिया है तो उसको भी कर देते हैं. ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, वो थर्ड के लिए, और फर्स्ट के लिए ये दोनों इक्वल है. अच्छा, अब रह गया जी फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तो आप खुद डिस्कशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चले मैं करवाता हूं जी. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, देखिए एक्स पॉजिटिव है, आर एक्स इज पॉजिटिव और आर वाई इज नेगेटिव. इस तरह है कि नहीं है? बिल्कुल है. जिसका मतलब अगर मैं ब्लैक से ही बनाता हूं, सो दिस इज इफ योर फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दिस इज द प्लस एक्स एक्सिस, दिस इज द माइनस ऑफ वाई एक्सिस, ये आपका आर एक्स कंपोनेंट, ये आपका आर वाई कंपोनेंट, यहां पे आपका वेक्टर है जी. देखे अब जब आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर्स जब आप ड्रॉ करते हैं, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिलता है, तो लेट सपोज आपका वेक्टर है प्लस आई माइनस जे वेक्टर, तो इसका जो थीटा आपको मिलेगा टेंजेंट इनवर्स माइनस वन अपॉन वन, तो ये आपको मिलेगा जी माइनस 45 डिग्रीज. अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखे नियरेस्ट एक्स एक्सिस का नेगेटिव एक्स एक्सिस है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है? तो ये जो टेंजेंट इनवर्स फॉर्मूला आपको एंगल देगा विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस देगा, और माइनस 45 डिग्रीज आपको गिवन है, तो माइनस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब ये एंगल आपके पास ये जो है ये फाई एंगल है. मगर हमारा जो एंगल होता है रिजल्टेंट का एंगल, हमेशा हम लेंगे एंगल विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो क्या हमारा एंगल ये वाला एंगल नहीं है थीटा आर? बिल्कुल है, बिल्कुल है. कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है? 360 डिग्रीज. तो क्या मैं अगर इस तरह लिखूं कि थीटा आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, तो क्या इस तरह ठीक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो क्या मैं अपना थीटा आर फाइंड करने के लिए 360 से थीटा को सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा? थीटा को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा जी. ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक हो गया. ये बस ये डिस्कशन थी जी. और एक बात और, इधर आपने माइनस 45 डिग्रीज पुट नहीं करना, आप वो थीटा का मैग्नीट्यूड जीरो पुट करेंगे. इस तरह हो कि आप 360 माइनस माइनस 45, तो 360 प्लस 45, इसका एंगल आप 405 डिग्रीज लिखते हैं. तो इस तरह नहीं होगा जी. 360 माइनस ओनली 45 डिग्रीज,
3.5 आता है या 3.15 आता है, जो भी आता है, ठीक है जी। तो बस ये इतनी सी बात ही थी जी। अब आपको जनरली जो है क्लास में ये माइनस साइन जो है कंफ्यूज नहीं एक्सप्लेन किया जाता, माइनस साइन आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि उसमें फिर ये माइनस और प्लस की फिर जो कंफ्यूजन पैदा होती है। तो मैंने तो आपको सिंपली बता दिया कि ये जो फॉर्मूला आपको देगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, ये आपको एंगल देगा विद रिस्पेक्ट टू द नियरेस्ट एक्स एक्सिस, और अगर पॉजिटिव हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव हुआ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक हो गया जी। अगर मैं इसको सम अप करूं, सम अप मैं करता हूं तो देखे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव थीटा इज इक्वल टू थीटा r, तो पहले क्वेश्चन तो आप यही पूछते हैं कि थीटा हम क्यों लेते हैं, हमारा एंगल तो थीटा आर है ना। तो थीटा हम इसलिए लेते हैं कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ये थीटा हम लेंगे तो ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, सो ये एक्स ये वाई ये रिजल्टेंट, तो ये थीटा मुझे मिलेगा क्यों, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं इधर यूज करूंगा क्योंकि उसके लिए मुझे इनसाइड द ट्रायंगल एंगल चाहिए है जी। अब ये जो डायरेक्टली थीटा आर है ये तो इनसाइड द ट्रायंगल नहीं है ना, ये तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं तो डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को यूज करके क्या फाइंड कर सकता हूं, ये इनसाइड द एंगल, इनसाइड द ट्रायंगल एंगल फाइंड कर सकता हूं, और फिर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से क्या कर सकता हूं जी, उसके साथ मैं खेल सकता हूं। बाकी आप समझदार है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह का केस है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप करते हैं तो नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ आपको एंगल इन दिस डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है, ये आपको थीटा मिलेगा, लेकिन हमारा जो एंगल होगा वो ये वाला होगा थीटा आर, सही है जी, बिल्कुल सही है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप किस तरह करेंगे, आपका वेक्टर ये है नियरेस्ट एक्सिस उसका ये है, ये आपको थीटा मिलेगा लेकिन हमारा जो एंगल है वो ये वाला है थीटा आर। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको एंगल नियरेस्ट एक्सिस के साथ ये वाला थीटा मिलेगा नेगेटिव, क्यों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है दिस इज द लार्जर वन थीटा आर। समझ आई, बिल्कुल आई। थीटा की रेंजेस होती है जी, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कितना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है कि नहीं है, दूसरा वाला 90 से लेकर 180 तक है कि नहीं है, बिल्कुल है, तीसरा 180 से लेकर 270 तक है कि नहीं है, बिल्कुल है, चौथा 270 से लेकर 360 तक है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ आई होगी जी, मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके अलावा जो है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं जी, सारे जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कॉज और टेंजेंट तो है तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, फिर सेकंड में जो है साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में जो है तो टेंजेंट पॉजिटिव होता है क्योंकि साइन और कॉज नेगेटिव हो जाते हैं, और फोर्थ में फिर कॉज पॉजिटिव होता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जरा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो आपको जो जो कॉमनली यूज्ड एंगल्स है 0, 45, 60, 90, 120, 180, 270, 360, इनका तो ऑफकोर्स आपको जो है साइन और कोसाइन याद होता है, लेकिन एंट्री टेस्ट में अगर वो यूज ना भी हो तो उस तरह का सवाल किस तरह आता है, तो देखिए एमसीक्यू और ऑप्शन मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, पहले ऑप्शन मैं लिखता हूं जी 45 डिग्रीज, दूसरा ऑप्शन मैं लिखता हूं 120 डिग्रीज, सी ऑप्शन मैं लिखता हूं जी कितना लिखूं, चले 210 डिग्रीज, और डी ऑप्शन मैं लिखता हूं जी क्या 330 डिग्रीज। चले ये मैंने पहले ऑप्शन क्यों लिखे आपको मैं बताता हूं, क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है द पॉसिबल एंगल, द पॉसिबल एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर इज, तो पहला जो आपको आर गिवन है लेट्स से वो है 2i + 4j, दूसरा आपको आर गिवन है दिस इज -3i + 6j, तीसरा आर आपको गिवन है 4i - 12j, फोर्थ गिवन है आर गिवन है -12i - 22j। इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो क्या ये आप इसका आंसर आप मुझे बता नहीं सकते,
बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने आपको एंगल्स की रेंज बताई, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 डिग्रीज, तो पार्ट नंबर 1 का आंसर ए। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है, रेंज होगा 90 से 180, तो सेकंड नंबर 120 का ऑप्शन है। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, बिल्कुल। थर्ड में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, जिसका मतलब 270 से 360, तो ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जाता है। इसके साथ थर्ड नंबर ये हो गया, ठीक हो गया, 330 डिग्रीज। और फिर फोर्थ ये जो है, तो ये कितना है, दोनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, 90 से लेकर 270 के दरमियान एंगल आएगा, तो ये आपका ये हो गया जी। ये एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू है जी, ठीक हो गया जी। और ये तो जो है अब आप फाइंड नहीं कर सकते, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2, 4/2 क्या होगा जी, आपको पता नहीं है, लेकिन वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ, आपको जो है टेंजेंट ऑफ 45 आना चाहिए, टेंजेंट ऑफ 90 आना चाहिए, टेंजेंट ऑफ 0 आना चाहिए, टेंजेंट ऑफ 360 आना चाहिए, टेंजेंट ऑफ 180 ये तो कम अज़ कम आनी चाहिए। वीडियो को मैं मजीद नहीं बढ़ाता हूँ, मेरे ख्याल में ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ आ गई, समझ ना भी आए हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है और मैं भी आपके लिए हूँ, तो जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, उधर ही आपको आंसर मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर बनाने की उसके ऊपर कोशिश करूँगा। आपसे मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, वट एवर द टॉपिक में बी, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एवरीवन अराउंड यू, डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, अल्लाह हाफिज़।